ये वीडियो मैं अपने व्यूअर्स के लिए बना रही हूँ। मेरे कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किए थे मुझसे कि मैम आप अपनी मधुबनी पेंटिंग की साड़ी के बारे में बताइए। तो मैं बिहार से हूँ और सभी को पता है कि बिहार में मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है। इसमें कचनी और भरनी का काम होता है और जितना फाइन वर्क होता है उसको उतना ही अप्रिशिएट किया जाता है। ये एक हैंडमेड पेंटिंग है और ये मेरी बहुत पुरानी साड़ी है जो मैंने बहुत साल पहले ली थी। मैं पहली बार इसको 15 अगस्त को पहनी थी। उसका ये मैंने एक पिलो पे ये भी करवा के मैंने रखा है और मेरी ये फेवरेट साड़ी है और इसलिए मैं इसके बारे में बताती हूँ कि ये मधुबनी पेंटिंग मैंने कैसे कराई है। सबसे पहले ये जो साड़ी है ये मलबेरी सिल्क है। मलबेरी सिल्क में नेचुरल कलर लेते हैं क्योंकि नेचुरल कलर में मधुबनी पेंटिंग बहुत अच्छे से खिल के आता है। ये सारी पेंटिंग नेचुरल होती है। बिहार में है, बिहार का मधुबनी पेंटिंग फेमस है एंड वोकल फॉर लोकल। तो अभी ये अप्रोप्रिएट वीडियो भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कचनी और भरनी का काम मैं दिखाती हूँ। ये जितने साड़ी पे जो बॉर्डर मैंने बनाए हैं, ये दिख रहा है, उठ के आ जाओ इधर, ये जो मैंने बॉर्डर बनाए हैं ये सारे बॉर्डर पे ये बड़े बड़े आप देख रहे हैं, ये जो कचनी और भरनी बोलते हैं, जो एक साइड से कहते हैं कचनी और दूसरे साइड से कहते हैं इसको भरनी, तो ये सारे बॉर्डर हैं। बॉर्डर पे मैंने गोल गोल में हाथी बनाया, हाथी को रिप्रेजेंट किया है जो शादी का शुभ है। ये पूरी साड़ी मेरी शादी के सारे रिचुअल्स को डिपिक्ट करती है। तो डिफरेंट कलर को मैंने यूज़ किया है, ग्रीन से मैंने बॉर्डर बनाए हैं और नेचुरल कलर होने की वजह से इसका कलर भी बहुत अच्छा है। पूरी साड़ी पे ये छोटी छोटी दुल्हन बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं, ये दुल्हन है मेरी पूरी साड़ी पे, ये बूटे के रूप में छोटी छोटी दुल्हन है और ये हाथी। तो ये हो गया दुल्हन और हाथी से बॉर्डर। अब बताऊंगी मैं आपको आंचल, आंचल के बारे में। मेरा पूरा ही आंचल शादी के सारे रिचुअल्स को डिपिक्ट करता है। ये पूरा आंचल मैं एक एक करके बताऊंगी कि इसमें शादी के कितने सारे फंक्शंस मैंने खुद से डिजाइन करके डलवाए हैं। चलो पास आ जाओ और दिखाओ। सबसे सेंटर पे मैंने रखा है कन्यादान, ये आप देख सकते हैं ये कन्यादान है। कन्यादान में लड़का लड़की है और उसके माँ बाप हैं जो कन्यादान करते हैं, तो ये मैंने सेंटर पे रखा है क्योंकि बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। इस साड़ी के माध्यम से मैं बताती हूँ कि बिहारी कल्चर में, हिंदू में कैसे शादी की जाती है। और सबसे पहला फंक्शन जो स्टार्ट होता है, कन्यादान तो सेंटर की चीज़ हो गई, उसके बाद रिंग सेरेमनी, ये आप देख रहे हैं जब लड़के और लड़की की शादी होती है तो पहला रिंग पहनाया जाता है। ये लड़की, ये मैं हूँ, ये मेरे हस्बैंड हैं, ठीक है। तो ये रिंग सेरेमनी है जो फर्स्ट फंक्शन होता है लड़के और लड़की का। दूसरा फंक्शन सर्कुलर मोशन में मैं आपको बताती हूँ। दूसरा है मटकोड़, ये मिट्टी कोड़ रहे हैं और ये तौलिया लगाए हुए हैं उससे मिट्टी कोड़ रहे हैं। ये मेरी माता जी हैं जो मिट्टी कोड़ने का रस्म पूरा करवा रही हैं। मिट्टी कोड़ने के बाद ये किसी भी लड़की को हिंदू रीति रिवाज में हल्दी लगाई जाती है, पीली पीली हल्दी उसके शरीर पे उसकी सहेली और माँ ये सब मिलके लगाती है। तो ये तीसरा फंक्शन है। फोर्थ है मेहंदी का रस्म, सभी लोग ग्रीन ग्रीन पहने हैं, हाथों में मेहंदी लग रही है, ये आप देख सकते हैं हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है। मेरी फ्रेंड है जो मुझे मेहंदी लगा रही है। तो ये मेहंदी का रस्म हो गया जो हल्दी के बाद होता है। उसके बाद जयमाल, ये है जयमाल, जयमाल में लड़का लड़की माला लेके एक्सचेंज करेंगे, तो ये जयमाल हो गया। उसके बाद ये है लावा मेहराने का रस्म, इसमें लावा मेहराया जाता है जब हम फेरे लगाते हैं, सात फेरे में। ये लड़का लड़की है और ये लड़की का भाई है जो लावा मेहराने का रस्म पूरा कर रहा है। उसके बाद ये है सिंदूरदान, ये आप देख सकते हैं सिंदूरदान का ये रस्म है। सिंदूरदान में मैंने पिंक कलर इसलिए चूज़ किया है क्योंकि मेरा भी सिंदूरदान पिंक कलर के सिंदूर से ही हुआ था, तो ये सिंदूरदान की तस्वीर हो गई। उसके बाद अब विदाई होती है, तो लड़की को डोली में बिठा के विदा किया जाता है, तो ये विदाई का सीन हो गया। और फिर ये चक्र पूरा ऐसे ही करके चलता है और बीच में कन्यादान की तस्वीर है। तो ये पूरी मैंने डिज़ाइन कराई है, आप देख सकते हैं कितना फाइन वर्क है। कि आपको मधुबनी पेंटिंग में खासियत है कि आपको बॉडी नहीं दिखना चाहिए, तो आप देख रहे हैं पूरी साड़ी में कहीं पे भी बॉडी नहीं दिखाई देगी आपको। लाइट कलर है, उस पर कलर भी बहुत अच्छे से आ रहा है, कहीं पे भी आपको बॉडी दिखाई नहीं दे रही है।
ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहने तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मैडम मैंने भी ऐसी एक साड़ी बनाई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।